हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आए हो क्या आप सब? जहाँ होंगे सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार करेंगे, कर रहे थे ना। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है BTS रूमर्स पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि पार्ट वन देख लेना। इस वीडियो में मैं बाकी के कुछ ऐसे रूमर्स के बारे में बताऊंगी, वैसे बहुत सारे हैं तो मैं इसके पार्ट वाइज ही बता पाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी होने की वजह से मैं पार्ट वाइज ही आपको बताऊंगी। ये पार्ट सेकंड है जिसमें मैं बाकी के रूमर्स के बारे में बताऊंगी एंड उसको भी क्लियर करूंगी कि क्या उसके पीछे बिहाइंड द फैक्ट है एंड क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें नहीं है। एज यू ऑलरेडी नो दैट कि BTS इतने ज़्यादा फेमस है तो डेफिनेटली उनको टाइम टू टाइम किसी न किसी वजह से ट्रोलिंग को फेस करना पड़ता है। यानी कि BTS हेटर्स तो वैसे बैठे ही रहते हैं कि कब उनको मौका मिल जाए एंड कब BTS के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल दें। एंड ऐसा पहले नहीं था, जैसे आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद पहले से ही BTS को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था। बट ऐसा नहीं है, जब BTS का डेब्यू टाइम था तब कोई भी इतना ज़्यादा हेट नहीं करता था BTS को, लाइक क्योंकि वजह सबसे बड़ी क्लियर बात है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हो ही नहीं तो इतने ज़्यादा ट्रोलर क्यों होंगे। बट डे बाई डे जैसे जैसे BTS फेमस होने लगे वैसे वैसे उनके र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में स्प्रेड की जाने लगी, सो दैट कि चीज़ें लाइक कॉम्प्लिकेटेड बन सके एंड BTS जल्द ही उस चीज़ से लाइक फील करें कि ऐसा क्या, मैं तो अपना बेस्ट ही देता हूँ बट फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं। बट एनीवे, हम यहाँ हेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रूमर्स की बात करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे रूमर्स हैं जो स्टिल बिलीव तो करने लायक नहीं। द फर्स्ट वन इज, वंस अपॉन अ टाइम जब सुगा मेलन म्यूजिक अवार्ड शो में गए थे वहाँ पर उनकी मुलाकात एक कोरियन गर्ल से हुई थी जिनका नाम सुरेन था एंड उनके साथ उनको स्पॉट किया गया एंड कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की गई। एंड जैसे इस टाइम पर जैसे आपने देखा कि वी के साथ क्या हुआ, मीन्स जैसे ही वी वहाँ पर गए एंड थोड़ा सा क्या बात करने लगे किसी गर्ल से तो इतना ज़्यादा सब लोग न्यूज़ बनाने लगे एंड र्यूमर्स क्रिएट करने लगे कि डेफिनेटली BTS वी एंड उस गर्ल के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वैसे उस टाइम पर भी हुआ था एंड ये कोई नई बात नहीं है कि BTS को ये फेस करना पहली बार पड़ रहा हो, ये BTS को बार बार फेस करना पड़ता ही है। उस टाइम पर जब उन्हें उन दोनों लोगों को स्पॉट किया गया तो उनकी पिक्चर्स भी क्लिक की गई थी जो देखने में इतनी ज़्यादा वो नहीं लग रही थी कि ऑकवर्ड हो या कुछ भी ऐसे बनाया जा सके। बट ऐसे ही वो चीज़ें सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, फैंस के बीच में हड़कंप मच गया। उनको लगा कि सुगा जरूर डेटिंग कर रहे हैं डेफिनेटली एंड दैट्स वाई कि वो आर्मी से इतना ज़्यादा वो भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड तो डेफिनेटली है एंड यहाँ पर उन्होंने साबित कर दिया है उनके साथ फोटो क्लिक कराकर कि जो सुरेन है वो ही उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। कैसे कोई सोच सकता है, अब किसी के साथ फोटो भी ना खिंचवाएं। एंड आपको ये लगता होगा ना कि BTS के साथ फ़ोटो खिंचवाने में कितनी बड़ी बात है, बट आप एक सेकंड के लिए सोचिए जो लोग खिंचवाते हैं फ़ोटो एंड जो लोग उनसे मिलते हैं पर्सनली, उनसे बातें करते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। फिर होना क्या था, जैसे ही ये फ़ोटो वायरल हुआ सभी लोग अपने तरीके से न्यूज़ बनाने लगे कि सुगा इनको सीक्रेट डेट कर रहे हैं, यही उनकी गर्लफ्रेंड है। यहां तक भी सब लोग बातें करने लगे कि इन फ्यूचर जाकर ये इन्हीं से शादी करेंगे, ये भी कन्फर्म हो गया है, जबकि सुगा ने इस बारे में कुछ भी बताया नहीं। एंड न्यूज़ इतना ज़्यादा उस समय चला था कि बिग हिट एंटरटेनमेंट को सामने से आकर ये चीज़ें बतानी पड़ी कि वो सारी चीज़ें फेक हैं एंड हम एज अ कंपनी वर्क करते हैं एंड अगर हमें किसी से एज अ आर्टिस्ट, अगर किसी आर्टिस्ट से मिलना चाहे तो वो मिल सकता है, इसमें र्यूमर्स वाली कोई भी बात नहीं है। तब जाकर ये सारी चीज़ें शांत हुई। एंड उसके बाद क्या होना था, सुरेन के जाकर इंस्टाग्राम पर सभी लोग ट्रोल करने लगे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम सुगा को छोड़ दो, मेरा बेस है, मैं सुगा से शादी करना चाहती हूँ। मतलब उस बेचारी को भी इतना ज़्यादा फेस करना पड़ा ट्रोलिंग कि उसे भी अपने सोशल हैंडल पर कुछ टाइम के लिए वो उसने अवॉइड किया आना। एंड देन उसके बाद उसने स्टोरी डाली, इंस्टाग्राम पोस्ट डाला कि मेरा सुगा के साथ कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, प्लीज़ आप ये सारे र्यूमर्स बनाना बंद करिए। देन जाकर सारी चीज़ें फाइनली क्लोज हुई। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़, जो कि र्यूमर्स इसलिए भी मैं कहूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीदू प्लीज़ आप ये बताओ कि किम तायन इतना ज़्यादा सीरियस क्यों रहने लगे हैं। लाइक इस टाइम पर मैं जब भी उनका इंटरव्यू देखती हूँ या कोई शो देखती हूँ या रन BTS देखती हूँ या कोई भी चीज़ देखती हूँ, इतना ज़्यादा सीरियसली वो बैठे रहते हैं और अच्छा नहीं लगता। इसका आंसर मैं आपको यहीं पर दे दूँ, सीधे सीधे इसका आंसर ये है कि देखो अब वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि उनको एक एक मोमेंट जो भी करते हैं तो उनको सोच समझ के करना पड़ता है, ये नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही कर दें।
एज यू ऑलरेडी नो दैट कि अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, किसी से बातें भी करते हैं, तो इतना ज़्यादा र्यूमर्स होने लगता है। सो उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस टाइम पर कोई भी वो एक्ट करते हैं कि कब क्या पता उसका फेक वीडियोज़ बन जाए या फेक र्यूमर्स फैलने लगे लोगों के बीच में, कि ये जाने लगे। दैट्स वाई कि वी बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि वी कोई डिप्रेशन में है या फिर उनको कोई चीज़ किसी चीज़ को लेकर एंग्जाइटी है, सो देखो BTS जब BTS का इंटरव्यू हो रहा था तो वी ने खुद ही आकर ये चीज़ बताया था उसमें कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ हमेशा खुशी से भरी रहे, एंड मैं पहले चाहता था कि मैं BTS को छोड़ दूँ, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी डिप्रेशन वाली बात है। एंड आप ही सोचो, इतने बड़े आर्टिस्ट को डिप्रेशन क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि K-pop में अगर सबसे ज़्यादा सहूलियत किसी को दी गई है तो वो BTS है, यानी कि BTS को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दी जाती है। एंड दैट्स वाई कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से किम तहान को कोई भी डिप्रेशन है। बट अगर आपके माइंड में ये है कि पहले हमने उनकी वीडियो देखी थी एंड जिस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उसमें उनका नटखट सा अंदाज था एंड बहुत ज़्यादा फनी फेस बनाते थे, क्रिएट करते थे, बट वो अभी नहीं करते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में है। सो ये 110% फेक है, लाइक र्यूमर ही कह सकते हैं, क्योंकि किम तहान जो भी उन्होंने लाइफ में अभी पाया है एंड जितने भी सारी चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं, वो शायद ही बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, बट एज अ आर्टिस्ट, एज अ बिग सेलिब्रिटी, आई वुड से कि उनको थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ता है एंड सोच समझ के सारी चीज़ें एक्ट करनी पड़ती हैं कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। आई होप कि ये सारी चीज़ें अब जाके आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना, एंड डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करना, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।